क्या आप भी परेशान है ट्रू कॉलर से, जिसमें कोई भी आपका मोबाइल नंबर एंटर करके आपका नाम या कोई अदर डिटेल्स पता लगा सकता है? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे करनी है ट्रू कॉलर से अपनी डिटेल्स डिलीट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द टेक। तो अपना नाम ट्रू कॉलर से डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा अपने मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउजर को, और इसके बाद गूगल में सर्च करेंगे ट्रू कॉलर अनलिस्ट और इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये लिंक ढूंढने में भी कोई परेशानी, तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया गया है, आप उसे ओपन कर सकते हैं। लिंक ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा ये पेज, इसमें लिखा है कि अगर आप हैं ट्रू कॉलर यूजर और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है ट्रू कॉलर में, तो आपको पहले अपना अकाउंट जो है करना पड़ेगा डीएक्टिवेट। तो अपना अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट करना है वो भी इस वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको करना होगा इस लिंक पर क्लिक, और फिर यहाँ पर करें अपना मोबाइल नंबर एंटर और क्लिक करें इस ऑप्शन पर जहाँ लिखा है आई एम नॉट ए रोबोट। ये वेरीफाई करने के लिए कि आप रोबोट नहीं हैं। यहाँ शो हो रहे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फीचर सेलेक्ट करें, इसके बाद इस ग्रीन बटन पर क्लिक करें और फिर से अनलिस्ट फोन नंबर पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका फोन नंबर जो है अनलिस्ट हो जाएगा ट्रू कॉलर से। इसको अनलिस्ट होने में कम से कम लगेगा एक दिन। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे करना है अपना अकाउंट डीएक्टिवेट अगर आप हैं रजिस्टर्ड ट्रू कॉलर यूजर। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में ओपन करनी होगी ट्रू कॉलर एप्लीकेशन और ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर शो हो रहे मेन्यू बार्स पर क्लिक करें। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में और ओपन करें अबाउट को। यहां आपको सिलेक्ट करना होगा डीएक्टिवेट अकाउंट ऑप्शन को, और यस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ट्रू कॉलर अकाउंट है वो हो जाएगा डिलीट यानी डीएक्टिवेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर अनलिस्ट करने में आएगी कोई प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट जरूर करें। इस प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन।